गाइस, वेलकम टू पाकिस्तानी रियल रिएक्शन। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब बढ़िया होंगे, मजे में होंगे, खुश होंगे, आबाद होंगे। मेरा नाम है मुदस्सिर, मैं हूं बशीर। सो गाइस, आज की वीडियो काफी ज्यादा मस्त किस्म की होने लगी है, बहुत ज्यादा ये वीडियो रिक्वेस्टेड है। तो सीधा वीडियो के टाइटल की तरफ आते हैं, जो कि है टॉप 10 फास्टेस्ट ट्रेन्स ऑफ इंडिया इन 2022। आज हम 2022 में इंडिया की 10 सबसे फास्टेस्ट ट्रेन देखने लगे हैं, बहुत ज्यादा मजा आएगा। डायरेक्ट यूट्यूब का वीडियो, इनकी वीडियो का लिंक मिल जाएगा आपको डिस्क्रिप्शन में, क्योंकि हर साल मतलब कोई ना कोई फास्टेस्ट इंडियन ट्रेन लॉन्च होती है या कोई मतलब किसी की स्पीड घटाई जाती है किसी की ज्यादा। तो आज देखते हैं 2022 में सबसे ज्यादा फास्टेस्ट इंडियन ट्रेन कौन सी है। तो बिना किसी देरी के देखते हैं, काउंट करते हैं, 3, 2, 1 एंड स्टार्ट। मुख्तलिफ दिखाई जा रही है जरूर। सारी ट्रेन एडवांस है भाई, वो मतलब सब सबसे जो मतलब कलर की ट्रेन। बात करेंगे इंडिया की टॉप 10 फास्टेस्ट ट्रेन के बारे में। इंडिया के अंदर वो 10 ट्रेन जिसकी रफ्तार सबसे तेज है। ऐसे तो हमारे देश में बहुत सारे ट्रेन हैं जो अलग अलग रूट पर चलते हैं। पिछले 2-3 सालों के अंदर और भी कई सारे न्यू ट्रेन को भी लॉन्च किए गए हैं। दोस्तों, इंडियन रेलवे एशिया का लार्जेस्ट रेल नेटवर्क है और वर्ल्ड में सेकेंड लार्जेस्ट रेल नेटवर्क। 16 अप्रैल 1853 में इंडियन रेलवे ने पहली बार अपनी यात्रा शुरू की थी। आज के समय में हर एक इंडियंस के लिए एक फास्टेस्ट ट्रेवल बन चुका है इंडियन रेलवे। इंडियन रेलवे यात्री और फ्रेट ट्रेन के लिए इलेक्ट्रिक और डीजल दोनों इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव WAP-5 और WAP-7 को यूज किए जाते हैं उन कुछ रूट पर मैक्सिमम स्पीड के लिए। नंबर 10, हावड़ा आनंद विहार एक्सप्रेस। ये सुपरफास्ट ट्रेन दिल्ली के आनंद विहार टर्मिनल से कोलकाता का रेलवे रूट है। इसकी मैक्सिमम स्पीड है 130 km/h, पर इसे 82 km/h के स्पीड के साथ ही चलाए जाते हैं। बड़ी तेज है यार। नंबर 9, बंद्रा नजीमुद्दीन गरीब रथ एक्सप्रेस। गरीब रथ एक्सप्रेस मेनली देश के उन गरीब नागरिक के लिए है जो ज्यादा पैसे देकर सुपरफास्ट ट्रेन की टिकट्स नहीं खरीद सकते हैं। गरीब रथ एक्सप्रेस एक सुपरफास्ट ट्रेन है जिसकी मैक्सिमम स्पीड है 130 km/h। मुंबई से दिल्ली तक इस ट्रेन को चलाए जाते हैं। ट्रेन में टोटल 7 हॉल्टिंग स्टॉप्स है। नंबर 8, हावड़ा रांची शताब्दी एक्सप्रेस। हावड़ा रांची शताब्दी एक्सप्रेस को रांची और कोलकाता के बीच चलाए जाते हैं। इसकी मैक्सिमम स्पीड है 130 km/h। ये ट्रेन एक ही दिन के अंदर अपने जर्नी कंप्लीट करके रिटर्न अपने स्टेशन पर लौट आते हैं। नंबर 7, हावड़ा राजधानी एक्सप्रेस। हावड़ा राजधानी एक्सप्रेस इंडिया की फास्ट राजधानी एक्सप्रेस है जो बहुत ही प्रेस्टिजियस राजधानी क्लास है। ये राजधानी एक्सप्रेस दिल्ली को कोलकाता से कनेक्ट करता है। इसकी मैक्सिमम स्पीड है 130 km/h। मतलब ये सभी का आईडिया है। नंबर 6, मुंबई राजधानी एक्सप्रेस। मुंबई राजधानी एक्सप्रेस इंडिया का एक फास्टेस्ट ट्रेन है जिसकी मैक्सिमम स्पीड है 130 km/h। मुंबई टू दिल्ली के अंदर चलने वाले ये सबसे फास्टेस्ट ट्रेन है। इस ट्रेन के अंदर LHB कोचेस का इस्तेमाल किया गया है। नंबर 5, दिल्ली एयरपोर्ट मेट्रो एक्सप्रेस। दिल्ली मेट्रो येलो लाइन का ऑपरेटिंग स्पीड है 132 km/h। इस मेट्रो ट्रेन की स्पीड इंडिया के किसी भी मेट्रो ट्रेन से सबसे ज्यादा है। अच्छा, मतलब सबसे। नंबर 4, शियालदह दिल्ली दुरंतो एक्सप्रेस। शियालदह दिल्ली दुरंतो एक्सप्रेस इंडिया का फास्टेस्ट दुरंतो एक्सप्रेस है जो दिल्ली टू कोलकाता रूट पर चलते हैं। इस ट्रेन को WAP-4 एंड WAP-7 लोकोमोटिव इंजन द्वारा चलाए जाते हैं जिसकी मैक्सिमम स्पीड है 135 km/h। मतलब इंडिया में मतलब नंबर 3, हबीबगंज दिल्ली शताब्दी एक्सप्रेस। हबीबगंज दिल्ली शताब्दी एक्सप्रेस इंडिया का तीसरा सबसे तेज जाने वाले सुपर फास्ट ट्रेन है जिसकी मैक्सिमम स्पीड है 130 km/h। इस ट्रेन को दिल्ली से हबीबगंज तक चलाए जाते हैं। नंबर 2, गतिमान एक्सप्रेस। गतिमान एक्सप्रेस इंडिया का फास्ट सेमी हाई स्पीड ट्रेन है। इस ट्रेन की मैक्सिमम स्पीड है 160 km/h। इंडिया की सेकंड सबसे तेज जाने वाली ट्रेन है गतिमान एक्सप्रेस। गतिमान एक्सप्रेस को दिल्ली से झांसी तक चलाए जाते हैं। नंबर 1, वंदे भारत एक्सप्रेस। ट्रेन 18 इंडिया का सबसे मॉडिफाइड ट्रेन है। इस ट्रेन को इंडिया के बाकी सारे ट्रेन से अलग और एक्सक्लूसिव बनाए गए हैं। करेंटली ये इंडिया का सबसे तेज जाने वाली ट्रेन है जिसकी रफ्तार है 180 km/h।
लेकिन हमारे इंडियन रेलवे ट्रैक्स इतनी स्पीड को सपोर्ट नहीं करते, जिस वजह से वंदे भारत एक्सप्रेस अपने मैक्सिमम स्पीड को नहीं पकड़ पाते हैं। ट्रेन 18 को राजधानी एक्सप्रेस के साथ आगे बदलने की भी प्लानिंग है। दोस्तों ये तो था इंडिया की टॉप 10 मोस्ट सुपर फास्ट ट्रेन इन इंडिया, लेकिन इसके अलावा भी और भी कुछ ट्रेन इसमें शामिल है। मुंबई अहमदाबाद डबल डेकर सुपर फास्ट ट्रेन की मैक्सिमम स्पीड है 130 किलोमीटर पर आवर। लोकमान्य तिलक नाजीमुद्दीन एसी एक्सप्रेस, इसकी मैक्सिमम स्पीड है 120 किलोमीटर पर आवर। कोटा नाजीमुद्दीन जन शताब्दी एक्सप्रेस, इसकी मैक्सिमम स्पीड है 110 किलोमीटर पर आवर। मुंबई सीएसटी सुविधा सुपर फास्ट एक्सप्रेस, इसकी मैक्सिमम स्पीड है 110 किलोमीटर पर आवर। महाराष्ट्र संपर्क क्रांति एक्सप्रेस, इसकी मैक्सिमम स्पीड है 110 किलोमीटर। दोस्तों ये तो था सारी डिटेल्स। आपको वीडियो कैसी लगी नीचे कमेंट पे। इसी के साथ हुई गाइस ये वीडियो खत्म। ओरिजिनल वीडियो का लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में। सबसे पहले मैं आप लोगों से ये क्वेश्चन पूछना चाहूंगा, आपने कभी कौन सी ट्रेन में सफर किया हो और आपके लिहाज से बेस्ट कौन सी है, मतलब आपको सबसे ज्यादा, मतलब जिसकी सर्विस वाइज स्पीड वाइज, मतलब सारा कंपैरिजन आपने करके हमें बताना कि आपकी फेवरेट कौन सी है। हबीब गंज का बोल रहे थे फास्ट है ना, गतिमान की, वही मैं कह रहा हूँ शताब्दी भी और वंदे भारत। वंदे भारत की भाई कहते हैं कैपेसिटी जो स्पीड है ना टॉप, वो ज्यादा 200 है, वो ज्यादा 200 है। लेकिन रेलवे ट्रैक वो सपोर्ट नहीं करते, तो फिर 160-170 इतनी मतलब वो मार। लेकिन कहते हैं वंदे भारत से भी अभी तेज जो चलती है ना, वो चलने के मामले में वो गतिमान का बोल रहे थे वो। हाँ यार, मतलब मैंने सुना है गतिमान, मैंने खुद उसके बारे में, ये तो ट्रेन की स्पीड्स बताई गई है, बताई गई है जो चलती है मेरे ख्याल में इंडिया में, शायद वो गतिमान है, गतिमान है, राजधानी है ना भाई, इस तरह कोई इसी तरह ही। क्योंकि बाकी जो है ना, क्योंकि ट्रैक तक बात है, अभी तो नए ट्रैक बिछाए जा रहे हैं, शायद फिर और तेज हो जाए, तो ज्यादा 200 भी पकड़ लेगी, पकड़ भी लेगी, क्योंकि और जिस तरह की स्पीड की अगर बात, भाई 160 बहुत स्पीड होती है भाई। मतलब हम इसको नॉर्मल समझ रहे हैं, मतलब 160 पे गोली की तरह निकल के जाती है। और यार गाइस आपसे एक और सवाल पूछना था यार, ये आपने कौन कौन सी ट्रेन में सफर किया है, आपको ट्रेन में सफर भी किया और आपके नजदीक सबसे बेस्ट सर्विस किस ट्रेन की है जो आपको देती है, जिसमें आप सफर करते हो, सफर किया हो या किसी ने भी किया हो, इनमें से आपको सबसे बेस्ट सर्विस किसकी अच्छी लगी है, वो आपने हमें कमेंट सेक्शन। यार मैंने व्लॉग देखा था, मतलब इस तरह खाने पीने के लिहाज से कहते हैं तेजस बहुत मस्त है। तेजस हाँ भाई, तेजस मतलब भी और वंदे भारत में भी तेजस का मैंने सुना था कि खाने पीने के लिहाज से मतलब फर्स्ट नंबर पे तेजस। वो मोहित इनसाइड HID सर का वीडियो था, बहुत कमाल, उसमें खाने के लिहाज से तो वो था। अब आगे मुझे नहीं पता कौन कौन से लिहाज से। बिल्कुल। सो गाइस आपको ये कैसी लगी कमेंट सेक्शन में बताओ। इधर वीडियो खत्म करते हैं, अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखना। तो यार बाय।